आज का एपिसोड सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होने वाला है, फिर चाहे वो घर वाले हो या फिर घर के बाहर उनके फैंस और उनके परिवार वाले, क्योंकि आज सभी घर वाले अपनी लाइफ के ऐसे सीक्रेट्स के खुलासे करेंगे जिसको सुनने के बाद सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाएंगे। शो के प्रोमो में हमने देखा कि कैसे रूबीना अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताती हैं कि उनके और अभिनव के बीच में डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन उन्होंने नवंबर तक का टाइम लिया था और वो टाइम अब आ चुका है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस बात के बारे में ना तो अभिनव की फैमिली को कुछ पता है और ना ही रूबीना की फैमिली को, जिस वजह से वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं रूबीना के अलावा निक्की, जैस्मीन, एजाज और कविता भी अपने अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं। एजाज अपना सीक्रेट रिवील करने से पहले ये कहते हैं कि उनका ये सीक्रेट सिर्फ उनके थेरेपिस्ट और उन्हें ही पता है, इस बात के बारे में उनके अब्बू को भी नहीं पता है और वो बार बार यही कह रहे थे कि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो एजाज का वो सीक्रेट ये है कि एजाज को बहुत ही छोटी उम्र में मोलेस्ट किया गया था। जी हाँ, एजाज को काफ़ी छोटी उम्र में मोलेस्ट किया गया था, उनको काफ़ी उल्टी सीधे तरीके से टच किया गया था, जिस वजह से एजाज खान आज भी उस बात से काफ़ी ज़्यादा डरे हुए रहते हैं और इसी वजह से हमने कई बार एपिसोड्स में देखा है कि वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे कंधे पर टच मत करो, मुझे यहाँ टच मत करो। तो वही निक्की तंबोली अपना सीक्रेट रिवील करने के बाद कविता से बात करते हुए ये कहती हैं कि उनकी माँ ने इस बात को किसी के साथ भी शेयर करने के लिए मना किया था। तो वो बात ये है कि निक्की तंबोली 19 साल की उम्र में इंटरनेशनल मॉडलिंग असाइनमेंट में इंडिया से बाहर गई थी और जहाँ पे वो अपना ये असाइनमेंट कंप्लीट करने गई थी वहाँ पर निक्की तंबोली को किडनैप कर लिया गया था। जी हाँ, निक्की तंबोली को 19 साल की उम्र में इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान किडनैप कर लिया गया था और इसी बात को निक्की तंबोली की मां ने छुपाने के लिए कहा था। तो वहीं कविता कौशिक का सीक्रेट ये है कि कविता को काफ़ी यंग एज में उनके एक बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज मैथ्स टीचर ने मोलेस्ट किया था। वहीं अभी भी जैस्मीन का सीक्रेट बाकी है और हमारे पास जैसे ही जैस्मीन के सीक्रेट की खबर सामने आएगी हम आपके साथ तुरंत शेयर करेंगे। वहीं अली का कोई भी सीक्रेट हमें सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि अली पहले से ही इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हो चुके थे क्योंकि उन्होंने कविता के साथ लड़ाई की थी। वहीं चलते चलते हम आपको एक और बात बता दें कि एजाज खान स्टार्स के विनर हैं, जिस वजह से रूबीना के पास जो नॉमिनेशन से बचने वाला डायमंड था वो अब एजाज के पास आ चुका है और एजाज अब उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिग बॉस की इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटेगा।